हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 3 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड अथॉरिटी। और देखिए, ये दोनों ही कार्ड्स एकदम से कॉन्ट्रेरी एनर्जीज की बात करते हैं। जहाँ 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड फियर, इनसिक्योरिटी की बात करता है, एक थकावट की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ अथॉरिटी का कार्ड पावर पोजीशन की बात करता है, विल पावर, डिटर्मिनेशन की भी बात करता है। और कुछ ऐसा ही इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए, ये फियर्स, ये इनसिक्योरिटी सबके लिए डिफर कर सकती हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी भी स्पेसिफिक चीज़ को लेकर या फिर इन जनरल भी आप बहुत एफर्ट कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे और इस वीक कहीं एक पॉजिटिव आउटकम, पॉजिटिव रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे और उस तरीके से एक पॉजिटिव रिजल्ट, एक पॉजिटिव आउटकम नहीं मिल रहा है। और लिटरली आप अपने आप को कह रहे हैं कि बस अब थक गए, अब और हिम्मत नहीं है आगे बढ़ने की, अब यू नो और स्ट्रेंथ और स्टैमिना नहीं है, फिर से मैं कहूँगी, आगे बढ़ने के लिए। लेकिन देखिए, जो भी सरफेस लेवल के लिए हो रहा है, डीपर लेवल के लिए अथॉरिटी का कार्ड कहता है कि आप विल पावर, डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपका कॉन्फिडेंस डीपर लेवल पे कहीं कम नहीं होता हुआ दिख रहा है। और देखिए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पावर पोजिशन, अथॉरिटी को ही हासिल करने के लिए पीछे आपने बहुत एफर्ट करे हैं और उसी से ही रिलेटेड एक पॉजिटिव आउटकम आप इस वीक एक्सपेक्ट कर रहे थे। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी वर्क प्लेस में जो भी अथॉरिटेटिव फिगर्स हैं उनको ही लेकर एक फियर, एक इनसिक्योरिटी आप महसूस कर रहे हैं। और देखिए एरीज, मैं आपको यही कहूँगी कि जो भी आपके प्रोफेशनल फ्रंट में या इन जनरल भी हो रहा है, आपने बिल्कुल भी नहीं डरना है। देखिए, एक कहावत भी है, जो डर गया सो मर गया। तो फिर से देखिए, इस फियर, इस इनसिक्योरिटी को आप ज़रूर ओवरकम करें, क्योंकि देखिए बियॉन्ड अ पॉइंट कोई भी चीज़ हमें परेशान नहीं करती है जितना कि हमारे खुद के फियर्स, हमारे खुद के डर हमें परेशान करते हैं। और जब हम अपने ही डर, अपने ही फियर्स को ओवरकम करते हैं या मैं कहूँगी कि इनके ऊपर विजय पाते हैं, तो हम हर चीज़ में एक विजय पाते हैं, हर चीज़ में विक्ट्री हमारी होती है। तो फिर से देखिए, इन फियर्स, इन सिक्योरिटीज़ को आप ज़रूर इस वीक ओवरकम करें। और अगर ऐसा आप कर पाएंगे तो इस वीक की एनर्जीज़ आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी रहेंगी, या मैं कह सकती हूँ कि ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 5 ऑफ सोर्ड्स एंड स्पिरिचुअल यूनियन। और देखिए, 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहीं अनफेयर एनर्जीज़ की बात करता है, किसी लेवल पे किसी तरीके के इनजस्टिस की भी बात करता है। और सबसे पहली बात एरीज की, इसको सुन के आपने परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये आपकी पूरी ज़िंदगी की रीडिंग नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इस वीक की रीडिंग है। और वीकली रीडिंग में बहुत बड़े मसले, बहुत बड़े इश्यूज़ नहीं होते हैं, छोटी मोटी सी चीज़ें हमें परेशान करती हैं। और देखिए, वैसे भी एरीज, हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है, हम कितना उसको महसूस करते हैं, कितना ज़्यादा उसके बारे में सोचते हैं, वही डिटर्मिन करता है कि हम उस सिचुएशन में कितने परेशान रहेंगे या फिर कितना स्ट्रांगली अपने आप को मैनेज करेंगे। क्योंकि फिर से देखिए, जब इशू 50% है हमारी लाइफ में और उसको हम बहुत महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो वो इशू 50 से यू नो 80, 90 या फिर 100% हो जाता है। और जब हम इतनी एनर्जी नहीं देते हैं तो वो इशू कहीं 50 से 30-20% हो जाता है। तो देखिए, काफ़ी हद तक हमारे ही हाथ में होता है कि अपनी लाइफ के मसलों को हम कितना बड़ा बनाएं या कितना छोटा बनाएं। और देखिए, इस चीज़ का ख्याल इस वीक आप ज़रूर रखें।
और यहाँ पे देखिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं इस अनफेयर एनर्जीज के, इस किसी लेवल पे किसी तरीके के एक इनजस्टिस के। लेकिन फाइव ऑफ सोर्ड्स के नीचे स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड कहता है कि कोई खास रिलेशनशिप या फिर रिलेशनशिप्स इन जनरल ही आपको किसी लेवल पे परेशान कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप शायद बहुत ज़्यादा सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे थे और उनकी तरफ से आपको वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, या फिर लिटरली ही एक चीटिंग सी सामने वाले की तरफ से आप महसूस कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि भाई उनके इंटेंशंस, उनके मोटिव्स आपके लिए ठीक नहीं हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यू नो आपको ऐसे लग रहा है कि जो भी लोग आपके आसपास हैं, स्पेशली आपके लव्ड वंस, वो थोड़े से मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, वो थोड़े से डिप्लोमेटिक हो रहे हैं। तो देखिए जो भी हो, आपने यू नो अगेन मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को महसूस नहीं करना, और दूसरी बात आपने ब्लाइंडली किसी पे भी इस वीक ट्रस्ट नहीं करना है। आपने थोड़ा सा अलर्ट रहना है, आपने थोड़ा सा कॉशियस रहना है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए गॉडेस ग्रीन तारा का कार्ड है और ये कहती हैं स्टार्ट डेलीगेटिंग, आस्क अदर्स इंक्लूडिंग मी टू हेल्प यू इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ। तो देखिए एरीज, अगर आप सब कुछ खुद से ही करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे बहुत ही क्लियरली गॉडेस का मैसेज है कि आप लोगों का सपोर्ट लें, लोगों की हेल्प लें, और स्पेसिफिकली आप गॉडेस ग्रीन तारा से कनेक्ट करें, या फिर जिस भी गॉड को आप मानते हैं, जिन भी एंजल्स को आप मानते हैं, आप उनसे कनेक्ट करें। देखिए हमारे एंजल्स हमेशा ही हमारे आसपास होते हैं और दे आर वेरी वेरी विलिंग टू हेल्प अस, लेकिन हम उनके साथ कनेक्ट ही नहीं करते हैं। देखिए ये इस तरीके से होता है, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं लेकिन जिस फ्रेंड से आप ज़्यादा बात करते हैं, आप ज़्यादा मिलते हैं, उसी फ्रेंड के साथ आपका बॉन्ड भी अच्छा होता है या फिर बेटर होता है। इसी तरीके से आपके एंजल्स आपके आसपास हैं, अगर आप उनसे बात नहीं करेंगे, कनेक्ट नहीं करेंगे, तो देखिए वो आपको बियॉन्ड द पॉइंट हेल्प नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से मैं कहूँगी कि गॉडेस का मैसेज है, जिस भी एंजल को आप मानते हैं या फिर गॉडेस ग्रीन तारा से ही आप कनेक्ट करके उनकी हेल्प ले सकते हैं, और जो भी लोग आपके आसपास हैं, अगर किसी भी तरीके का सपोर्ट आपको उनकी तरफ से चाहिए तो आप बिल्कुल भी हेजिटेट ना करें, क्योंकि देखिए हम सब लोग ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं किसी ना किसी चीज़ के लिए। और देखिए हेल्दी डिपेंडेंसी अच्छी भी होती है, और आप इस चीज़ को लेकर अगेन मैं कहूँगी कि बिल्कुल भी हेजिटेट ना करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द नाइन्थ हाउस का कार्ड है और इसके हिसाब से येल्लो कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।